हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल मठरी। आप इनको स्नैक के रूप में बना करके स्टोर कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं कैसे बनती है ये मठरी। मठरी बनाने के लिए 2 कप मैदा ली है मैंने यहाँ पर, 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन लिया है, 1/4 कप सूजी, 1/2 कप ऑयल रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर, 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग लेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 मिक्सी के जार में अजवाइन डाल देंगे, सौंफ, काली मिर्च, जीरा और इनको हम दरदरा पीस लेंगे। इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इन सभी मसालों को दरदरा पीस के एक पाउडर तैयार कर लिया। अब हम आटा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैदा डाल दी है, बेसन डाल देंगे, आटा और सूजी, हींग और जो सूखे मसाले तैयार किए थे वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डाल के ऑयल को भी हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को ऐसे हाथों से मसलते हुए हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। हम एक लड्डू सा बना करके देखेंगे। ये लड्डू सा जब हमारे बनने लगे तो समझ लीजिए कि आटे में जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक सख्त आटा तैयार करेंगे। एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे आटे को तैयार करने में। हमने अपना आटा तैयार कर लिया है। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें भी बच गया है पानी, पूरा पानी यूज नहीं हुआ है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और अब हम मठरी तैयार करेंगे। तो मठरी बनाने के लिए एक लोई को हाथों पे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और हथेली से दबाते हुए हम इस तरीके से मठरी तैयार करेंगे। दूसरे प्रोसेस से भी मठरी तैयार कर सकते हैं। हम बेल करके भी मठरी बना सकते हैं। इसको इस तरीके से बेल लेंगे, बेलन से। इसको पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही बेलेंगे और हम फोक की हेल्प से इसमें छेद करेंगे जिससे कि हमारी मठरी फूलेगी नहीं। अगर आपको हाथों से बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेल के भी मठरी बना सकते हैं। और इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए आटे की भी मठरी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और हम अपनी मठरी डाल के फ्राई करेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो और गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। मठरी हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी सेम प्रोसेस से हम अपनी बाकी बची हुई मठरी को भी फ्राई कर लेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मठरी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब मैं आपको एक मठरी तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी मठरी बनकर के तैयार हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।